उधर पार्थ चटर्जी पर ममता सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। दोपहर में उनको मंत्री पद से हटाया गया था, अब शाम को उनको टीएमसी पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया। पश्चिम बंगाल से जुड़े शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी का नाम आया था। पार्थ चटर्जी फिलहाल उद्योग मंत्री थे, जब वे शिक्षा मंत्री थे उस दौरान हुए घोटाले के लिए उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। अब टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा पार्थ चटर्जी को टीएमसी से सस्पेंड किया गया। महासचिव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ साथ बाकी तीन पदों से उनको हटा दिया गया है। उनको जांच पूरी होने तक के लिए सस्पेंड किया गया है। अगर वे दोषी नहीं पाए जाते तो उनकी पार्टी में वापसी होगी। इसके पहले बंगाल के चीफ सेक्रेटरी की तरफ से आदेश जारी हुआ था। बताया गया था कि पार्थ चटर्जी को उद्योग मंत्री के पद से हटाए जाने के साथ बाकी पदों से हटाया गया। इसमें सूचना एवं प्रसारण विभाग, संसदीय मामलों से जुड़े विभाग से भी उनकी छुट्टी कर दी गई।